In this video, I am going to share with you all the lifetime box office collection of Bollywood film Amar Akbar Anthony. Film Amar Akbar Anthony जो रिलीज हुई थी 27 मई 1977 को और ये एक बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी. यानी फिल्म को रेटिंग और रिव्यूज काफी अच्छे दिए गए थे. फिल्म को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया था मनमोहन देसाई ने. कास्ट पर आ जाते हैं, इसमें महानायक अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी, प्रवीण बाबी, निरुपा रॉय और साथ ही प्राण लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. और इस फिल्म के ऑलरेडी 3 रीमेक्स बन चुके हैं. सबसे पहले आया था 1978 में तमिल में जिसका नाम था शंकर सलीम सिमोन. उसके बाद आया था 1980 में 1980 में तेलुगू में जिसका नाम था राम रॉबर्ट रहीम. और एक आया था 1982 में मलयालम में जिसका नाम था जॉन जाफर जनार्दन. उसके अलावा सेम नेम से यानी अमर अकबर एंथनी नेम से इसको 2 मूवी में रिलीज किया गया था. एक तो आया था 2015 में मलयालम में, एक आया था 2018 में तेलुगू में. लेकिन वो जो मलयालम और जो तेलुगू फिल्म है जो सेम नेम से रिलीज हुई थी वो फिल्म का रीमेक नहीं है, वो अलग ही मूवी है. अब बात करते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 7 करोड़ 25 लाख रुपए का, 7 करोड़ 25 लाख रुपीस का. इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 15 करोड़ 50 लाख रुपए का, 15 करोड़ 50 लाख का. रही बात बजट, फिल्म का बजट था 2 करोड़ 75 लाख रुपए का. अब 2 करोड़ 75 लाख के बजट में फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था 7 करोड़ 25 लाख रुपीस का, उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म अमर अकबर एंथनी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. यानी फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट थी वो थी ब्लॉकबस्टर की. अब फिल्म जो है ये 1977 की बॉलीवुड की कहे या इंडिया की कहे फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी. अब जैसे कि फिल्म ने 1977 में जो कलेक्शन किया था 15 करोड़ 50 लाख का टोटल लाइफटाइम ग्रॉस कलेक्शन, उस वैल्यू को कन्वर्ट किया गया साल 2016 की वैल्यू के हिसाब से और साल 2016 में इसकी वैल्यू लगाई गई थी 485 करोड़ रुपीस की. कलेक्शंस की बात हुई, वर्डिट की बात हुई. अब ये जो फिल्म है इसके अंदर टोटल 7 गाने थे. सभी गानों को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी की जोड़ी ने. गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी जी ने. अब सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए थे मुकेश जी, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी, अमिताभ बच्चन जी और एक गाना गाया था महेंद्र कपूर जी ने भी. अब गानों की बात भी हुई. अब वैसे जो फिल्म है इसको डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने. अब जिस साल ये फिल्म आई थी 1977 में, उसी साल मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनने वाली 4 फिल्में रिलीज हुई थी. एक तो थी अमर अकबर एंथनी, एक का नाम था परवरिश, एक का नाम था चाचा भतीजा और एक और थी जिसका नाम शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा. लेकिन ये चारों ही फिल्में जो थी ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में साबित हुई थी 1977 की. हाँ, एक फिल्म थी धर्मवीर. चलिए अब बात करते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी की बात, कास्ट के रोल की बात. तो फिल्म में जो है विनोद खन्ना के रोल का नाम होता है अमर. उसके अलावा ऋषि कपूर के रोल का नाम होता है अकबर. अमिताभ बच्चन के रोल का नाम होता है एंथनी. अब स्टोरी क्या होती है, जब ये तीनों इन तीनों का बचपन दिखाते हैं, बचपन में ही तीनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तीनों भाइयों को अलग अलग फैमिली अडॉप्ट कर लेती है. एक भाई को अडॉप्ट करती है हिंदू फैमिली, एक को अडॉप्ट करती है मुस्लिम फैमिली और एक को अडॉप्ट करती है क्रिश्चियन फैमिली. अब क्या होता है, जब तीनों भाई बड़े हो जाते हैं, एक भाई होता है पुलिस इंस्पेक्टर, एक होता है सिंगर और एक होता है लीकर बार का ओनर. बेसिकली फिर स्टोरी जो है इन्हीं के आसपास घूमती है. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.